नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपको बताएंगे हम समास में तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में बाद का पद अथवा उत्तर पद को हम बाद का पद कहते हैं, प्रधान होता है तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। ध्यान से सुन लें, जिस समास में बाद का पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, कारक चिन्ह लुप्त होना, जैसे राजा का पुत्र का जो है कारक चिन्ह है, और जब कारक चिन्ह को लुप्त किए तो इसमें उत्तर पद प्रधान होना, यानी बाद का पद प्रधान होना, राजा का पुत्र माने राजपुत्र। देख ले, धर्म का ग्रंथ प्रमुख है, धर्म ग्रंथ रचना को करने वाला रचनाकार, यानी कारक चिन्ह इसमें लुप्त हो गया बाबू, ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के भेद कारक चिन्हों के आधार पर, तत्पुरुष समास के भेद हैं, कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के छह भेद हैं। कौन कौन भेद हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब इसमें पहला आपको हम बताएंगे कर्म तत्पुरुष। तो हमेशा ध्यान रखें कर्म का चिन्ह क्या होता है, ये दिमाग में रख लीजिए। जब कर्म का चिन्ह आपको अपने दिमाग में बैठ जाएगा तो कर्म तत्पुरुष पहचानने में आपको देर नहीं लगेगी। देख लीजिए, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को, यानी को जो है मोक्ष है, यही लुप्त हो जाएगा। तो कर्म तत्पुरुष का चिन्ह क्या है? को, ये लुप्त हो जाएगा। जहां ये लुप्त होगा बाबू, वही कर्म तत्पुरुष होगा। देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, ग्राम को गया, ग्रामगत, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ीमार, रथ को चलाने वाला रथ चालक। देखेंगे बाबू, दूसरा कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष का चिन्ह जान ले, से के द्वारा। जब भी कर्ण तत्पुरुष की बात आ जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इसका चिन्ह से के द्वारा। लिखा गया है इसमें कर्ण तत्पुरुष की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। जैसे हमने विग्रह और समस्त पद लिख दिया है, से देख रहे हैं, करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण, भय से आकुल, भयाकुल, मद से अंधा, मदान, मन से चाहा, मन चाहा, सुर द्वारा रचित, यानी सुर रचित, यानी दोनों आपने चित उदाहरण देख लिया बाबू। अब आप तीसरा देखेंगे, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह है के लिए, संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह है के लिए, इसमें लिखे हैं इसमें संप्रदान कारक की भक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, यानी के लिए लुप्त हो जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर देखें, प्रयोग के लिए साला, प्रयोगशाला, स्नान के लिए घर, स्नान घर, यज्ञ के लिए साला, यज्ञशाला, डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। चौथा हम जान लेंगे अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का चिन्ह है से अलग होने के भाव। जहां अलग होने की स्थिति आएगी वहां तुरंत आपके दिमाग में चला जाएगा कि अपादान तत्पुरुष है। ऐसे हमें लिख दिया है, धन से हीन, यानी धन से अलग हो रहा है, पद से भ्रष्ट, यानी पद से भ्रष्ट है,
देश से निकाल आते सर अपनी यह भावना यह दिखेगा इसमें कि अलग होने का कार्य हो रहा है, वहां आपादान तत्पुरुष है। जैसे उदाहरण के साथ हमने लिख दिया है देश से निकाला, देश निकाला, गुण से हीन, गुणहीन। देख लीजिए अलग होने की भाव याद दिख रहा है, उदाहरण बता रहा है कि अलग होने का भाव हो रहा है, पाप से मुक्त, पाप मुक्त, जल से हीन, जलहीन। समान तत्पुरुष में इसका चिन्ह क्या है, का के की लुप्त रहता है इसमें। देख लें राजा की आज्ञा, राजा क्या, देश की रक्षा, देश रक्षा, शिव कालय, शिवालय, गृह का स्वामी, गृह स्वामी, पर के आधी पराधी। अब आखिरी लिख लेंगे तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह के आधार पर आखिरी है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें कारक चिन्ह में और पर होता है, में पर का चिन्ह जहां भी आपको दिख जाए ऐसा में और पर तो आप तुरंत अपने दिमाग में बैठा लेंगे अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे हमने लिख दिया शोक में मग्न, शोक मग्न, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, आप पर बीती, आप बीती, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, धर्म में वीर, धर्म वीर, कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ। बाबू तत्पुरुष समास के कारक चिन्हों के आधार पर छह भेद स्पष्ट हुआ। अब आपको अगले में इसके अगले भेद बताएंगे। थैंक यू।